स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज, मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों की ओर। जबलपुर की घमापुर पुलिस ने 5 माह से फरार चल रहे एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। कांच पर चुंगी चौकी के पास द्वारका नगर में रहने वाले पीसी विश्वकर्मा द्वारा बिना किसी डिग्री के फर्जी डॉक्टर बनाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा था। उनके द्वारा जानबूझकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए लोगों को धोखा देने का काम किया जा रहा था। गौतम हो कि आरोपी द्वारा घर में क्लिनिक बनाकर मरीज का इलाज किया जाता था और बीते 5 माह पूर्व फर्जी डॉक्टर द्वारा इलाज करवाने पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिस पर मृतक के परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। उपरोक्त विषय पर जबलपुर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर संदिग्ध डॉक्टर पीसी विश्वकर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए थे, लेकिन लगातार 5 माह से वह फरार चल रहा था। पुलिस को विश्वास नहीं, मुख्य से सूचना मिली कि फरार फर्जी डॉक्टर क्षेत्र के आसपास देखा गया है, जिस पर घेराबंदी करते हुए पीसी विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे विधिवत पूछताछ की जा रही है। दिनांक 22/5/24 को अपने जिला मुख्य सीएम अधिकारी द्वारा एक फर्जी डॉक्टर जो चुंगी नाका द्वारका नगर अपना घमापुर के अंतर्गत डॉक्टर पीसी विश्वकर्मा के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जिसमें धारा 420 आईपीसी और नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 की धारा 34 और चिकित्सा शिक्षा नियंत्रण अधिनियम धारा 1973 की 7-8-2 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आरोपी कुछ समय से लगातार फरार था, जिसे आज गिरफ्तार कर लाया गया है, जिसे अभी पुलिस अभी रक्षा में लिया गया है, पूछताछ कर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। किस तरह का इलाज करता है? ये होम्योपैथी डॉक्टर था और एलोपैथी दवाई से इलाज करता था। जिस क्लिनिक ये इनके निवास स्थान में क्लिनिक बना रखा था और होम्योपैथिक दवाई के अंतर्गत ये एलोपैथी पद्धति से लोगों का इलाज करता था। इसी दौरान एक संजय तुतलानी है, उनके परिजन का इलाज के दौरान की मृत्यु हो गई थी, जिस पर उन्होंने सीमा साहब को शिकायत की थी। जांच पर इसके विरुद्ध उनके द्वारा कार्रवाई की और थाने में फिर उनके द्वारा प्रतिवेदन भेज गया था, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज़ के साथ।